Hi, this is Khushbu with another question of lines and angles. This is question number 3 from exercise 6.2, page number 104 from NCERT. This says, if AB is parallel to CD, the AB, CD ke parallel hai, and EF perpendicular CD, EF, CD ke upar perpendicular hai, GED, GED, that means ye wala pura angle, yahan se leke yahan tak, पूरा अंगल हमें गिवन है 126 डिग्रीज. फाइंड AGE, AGE हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. GEF ये छोटा सा एंगल बीच का ये फाइंड करना है. एंड FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें जो जो इसमें गिवन है, जैसे हमें दिया है कि ABCD के पैरेलल है, ये सब पेंडिकुलर है और GED 126 है, आप इस हर चीज का यूज करेंगे. जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है कि GED 126 है. अगर यहाँ पर ये पूरा एंगल आपका 126 आता है, तो उसमें से आप देखें तो इतना पार्ट आपके पास 90 डिग्री है. आपके पास ये बचा हुआ पार्ट यहाँ से है 90. तो अगर इस पूरे एंगल में से ये 90 डिग्री हटा दिया जाए, तो आपके पास बचेगा ये रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो हमारे पास गिवन में है, गिवन है AB पैरेलल है CD के और EF पेंडिकुलर है CD पे एंड एंगल GED इक्वल है 126 डिग्री. और हमें फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE. ये तीन फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले अगर इसको प्रूफ में अगर हम स्टार्ट करें, लेट्स सपोज GED से, तो GED के अंदर दो एंगल आते हैं. एक आ रहा है GEF, एक यहाँ से एंगल आ रहा है इसके अंदर, और एक आ रहा है FED. ये दो एंगल बनते हैं तब जाके आता है पूरा GED. तो GEF प्लस FED ये पूरा इक्वल होगा GED के. GEF प्लस एंगल FED. तो GED हमारे पास कितना है 126 डिग्री. GEF हमें फाइंड करना है और FED हमारे पास है 90. FED 90 इसलिए बिकॉज EF परपेंडिकुलर है CD पर. तो आप लिखेंगे सिंस EF परपेंडिकुलर CD. जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसकी रीजनिंग आपको साथ में मेंशन करनी है. तो यहाँ से 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा यहाँ से GEF, विच इज 36 डिग्री. GEF की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री. नाउ सेम वे अगर हमें फाइंड करना है यहाँ से GEF आ चुका है, अगर ये एंगल 36 है इतना, दिस इज 90, तो ये एंगल भी 90 होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे बिकॉज लाइंस पैरेलल है. इफ दिस इज 90 तो हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर एंगल GFE, ये वाला GFE, दिस इज 90 क्योंकि AB पैरेलल है CD के. तो हमारा ये वाला एंगल जी एफ ई और हमारा एफ ई डी ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये जेड फॉर्म कर रहे हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स जेड बनाते हैं. तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था जी एफ और यहाँ पे था ई डी. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. सो हम कहेंगे कि जी एफ ई इज इक्वल टू एफ ई डी. ई डी सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, आपके पास यहाँ से एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये वैल्यूज आ जाएंगे. सो अगर हम ये यूज करें बाय एएससी, दैट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एजी, एंगल सॉरी एंगल एफजीई, एफजीई प्लस एंगल जीएफई प्लस एंगल जीईएफ इक्वल होगा 180 के. तो आपके पास एफ जी ई ये आपको फाइंड करना है. जी एफ ई 90 है और जी ई एफ 36 इक्वल्स 180. तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126. ये पूरा ऐड करके आएगा 126. तो आपके पास यहाँ से एंगल एफ जी ई इक्वल आएगा 180 माइनस 126. दैट मीन्स आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 126 54 डिग्री. ये एंगल आपके पास आ गया 54. अब जो ये वाला एंगल है ध्यान से देखिए, तो ये लाइंस सारी गिवन है हमारे को.
और ये Z फॉर्म कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर ये पूरा अंतर 126 है तो ये भी 126 होगा, बिकॉज ये इस तरह Z फॉर्म हो रहा है. दिस इज A, दिस इज G, दिस इज E एंड दिस इज D. अगर ये चीज 126 है तो ये भी 126 आएगी. तो देखेंगे एंगल ए जी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी इक्वल आ गया आपके पास 126 डिग्री. तो मैं तीन एंगल फाइंड करने थे, एक ए जी ई ये वाला, एक जी ई एफ ये वाला, एक एफ जी ई ये वाला, हमारे तीनों एंगल्स आ. So this was question number 3 from exercise 6.2, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.